चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल हैव रेडियाई ए बी एंड सी वेयर ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी एंड हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रेस्पेक्टिवली। इफ वी ए वी बी एंड वी सी डिनोट द पोटेंशियल एट थ्री शेल्स देन फॉर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वी हैव। ठीक, ये तीनों ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट पे हमको क्या करना होगा, पोटेंशियल निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा स्फेयर बनाते हैं, स्फेरिकल शेल बनाते हैं, उसका रेडियस क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, और उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा। दूसरा स्फेयर हम बनाते हैं, उसका रेडियस होगा कैपिटल नहीं स्मॉल बी। ठीक है, अच्छा इस पे चार्ज कितना है, माइनस सिग्मा। तीसरा हम बना लेते हैं स्फेयर, उसका ठीक है रेडियस होगा सी, इस पे चार्ज कितना है, प्लस सिग्मा। देखो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन एरिया, एरिया चार्ज डेंसिटी, और एरिया कर्व सरफेस एरिया कितना होगा स्फेयर का, फोर पाई आर स्क्वायर होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज जो होगा उसकी वैल्यू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यूज किया जाएगा। तो अगर मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर होता है ना, ये नहीं चल रहा है, अच्छा अब चला, ठीक है के क्यू अपॉन आर। तो Q की वैल्यू क्या रखा जाएगा, Q की वैल्यू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, जनरली ये रखा जाता है, Q की जगह ये रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तीन पॉइंट्स लेंगे, कौन कौन से तीन पॉइंट हम लेंगे, देखो यहां पर A एक पॉइंट लेंगे, यहां एक B पॉइंट लेंगे और यहां एक C पॉइंट लेंगे। तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल आप फाइंड आउट करेंगे तीनों स्फेरिकल शेल की वजह से, ड्यू टू ऑल थ्री कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, और ये ध्यान रखना है आपको कि C इज इक्वल टू ए प्लस बी भी है, C इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका यूज करना होगा हमको। तो पोटेंशियल ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ड्यू टू पहले पहले चार्ज पहले स्फेरिकल शेल की वजह से कितना होगा, के क्यू, क्यू कितना होगा, इसका चार्ज कितना होगा, चार्ज की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू फोर पाई ए स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए होगी, प्लस दूसरे स्फेरिकल शेल की वजह से कितना होगा, के माइनस सिग्मा, ध्यान से सुनो, फोर पाई बी स्क्वायर अपॉन अपॉन बी होगा, करेक्ट है। तीसरे स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा ए पॉइंट पे, तो तीसरे की वजह से देखो के इंटू प्लस सिग्मा फोर पाई सी स्क्वायर अपॉन कितना होगा, सी होगा, सही है करेक्ट, देख लो। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता चल गया, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लो क्या है, के कॉमन है और क्या कॉमन है, फोर पाई सिग्मा कॉमन है, फोर पाई सिग्मा कॉमन है, तो जो बच्चे वो लिख दो, ए से ए कट गया यहां पर, ये A आया, B से B कट गया और ये C से C कट गया, तो ये आया क्या, A माइनस B प्लस C आया, ठीक है, और A प्लस B की वैल्यू C के बराबर है, यानी C की वैल्यू A प्लस B, ये C की जगह A प्लस B रख दो, 4 पाई इंटू सिग्मा A माइनस B प्लस A प्लस B, B भी कटेगा 2A, K इंटू फोर पाई सिग्मा इंटू 2A, A पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो इतना होगा, ठीक है करेक्ट है, हो गया ये आया। अब बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकलेगा, बी पॉइंट पर पोटेंशियल यहां निकालते हैं, बी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू पहले सेल शेल की वजह से, के पहले शेल की वजह से कितना होगा, प्लस सिग्मा फोर पाई ए स्क्वायर अपॉन बी होगा, पहले शेल की वजह से बी पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया, दूसरे शेल की वजह से के माइनस सिग्मा फोर पाई बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस के प्लस
सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। देखो बी पॉइंट पे पोटेंशियल ठीक लिखे हैं, इसमें कॉमन क्या होगा वो ले लेते हैं। कॉमन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए के कॉमन है, सिग्मा कॉमन है और 4 पाई भी कॉमन है, सिग्मा 4 पाई भी कॉमन हो गया। जो बचा वो लिख देते हैं, क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी, बी से बी कटा यहाँ पर, माइनस बी, यहाँ सी से सी कटा, ठीक है, और ये प्लस सी ये आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा, देख लो चेक कर लो एक बार, के 4 पाई सिग्मा ब्रैकेट में सी की जगह हम क्या रख दें, सी की जगह ए प्लस बी रख देते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो बी से बी कटा, यहाँ ए बचा यहाँ पर, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया के इंटू 4 पाई इंटू सिग्मा ब्रैकेट में ए स्क्वायर अपॉन बी बी और प्लस ए, ये आया बी पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। अब सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए, पहले सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होगा देखो ज़रा, सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। सी पॉइंट का पोटेंशियल होना चाहिए के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस के माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस के प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। सबसे पहले सी पॉइंट का पोटेंशियल थोड़ा कॉमन ले लें, के सिग्मा 4 पाई कॉमन हो गया, ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस होगा ना ये, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी, करेक्ट है। देख लो अब c इज इक्वल टू ए प्लस बी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अभी, के सिग्मा 4 पाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस बी, करेक्ट है। ए प्लस बी की जगह c हो जाएगा, ये ए प्लस बी की जगह c लिख सकते हैं, के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी, एलसीएम ले लो 4 पाई, 4 पाई नहीं के पहले लिखते हैं, के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। अब सी की जगह ए प्लस बी रख के सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन सी, ये क्या लिख देंगे, 4 सिग्मा के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, सही है, ये उसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपॉन सी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा और यहाँ पर क्या जाएगा, के सिग्मा 4 पाई ये 2 ए स्क्वायर प्लस 4 ए बी, 4 ए बी अपॉन सी, इन दोनों में जो कॉमन है ले लेते हैं, 2 ए स्क्वायर 4 ए बी हो गया, या माय 2 ए बी कहाँ से आ गया, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया, ये गलती लिख दिया, 2 ए बी लगा कि ये ठीक है, इसको करेक्ट कर लिया हमने। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल, सी पॉइंट का पोटेंशियल होगा के सिग्मा 4 पाई, ये हो जाएगा, इसलिए ये 2 अगर ये यहाँ नहीं रहेगा तो 2 ए बी, तो कॉमन क्या है, 2 ए कॉमन है ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन सी, ए प्लस बी सी के बराबर होता है, के सिग्मा 4 पाई 2 ए इंटू सी अपॉन सी, सी से सी कटा, सी पॉइंट पोटेंशियल के सिग्मा 4 पाई इंटू 2 ए, ए पॉइंट का पोटेंशियल यही तो था, देखो के सिग्मा 4 पाई इंटू 2 ए, देखो जरा ए पॉइंट के 4 पाई सिग्मा इंटू 2 ए, तो ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है लेकिन बी पॉइंट का पोटेंशियल अलग है, बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट है। तो ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम किस में आ रहा है, ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ रहा है, ठीक है, ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ रहा है, ए और सी बी लेकिन डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है हमको, सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।